6 जून को श्री कालतख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा खालिस्तान के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया गया था, जिसके बाद अब राजनीति नए समीकरण पैदा करती जा रही है। और इस बीच विदेश में बैठे अपने नापाक इरादों को पंजाब में कामयाब करने की कोशिशें और रेफरेंडम 2020 को लागू करने की गिदड़ भपकियां देने वाले गुरवंत सिंह पन्नू ने अब नया राग लापा है। उन्होंने जथेदार सिंह साहबान के बयान को समर्थन करने के बाद एक गिदड़ भपकी दी है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और लुधियाना के सांसद व मरहूम मुख्यमंत्री शहीद बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू को दी है और उन्हें क्या धमकी दी है, आप भी सुनिए। एक बार फिर सिक्स फॉर जस्टिस तो गुरपतवंत सिंह पन्नू पंजाब के नाम स्नेहा लेके आया हाँ। 6 जून न श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों थापे सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख कौम की वह आवाज बुलंद की है। ए ओ आख्या है उन्होंने जो आने वाले रेफरेंडम का एक नतीजा है कि हर एक सिख खालिस्तान चाहता है। और जेड़े अज भारतीय राजनीतिक लीडर इस अकाल तख्त तो आए सुनेहे के खिलाफ भुगत रहे हैं, उन्होंने यह सुनेहा है कि या तुसी पंजाब दे हामी बन जाओ, और जे तुसी भारतीय संविधान नू मनदे हो, भारत दी होंद नू मनदे हो, तां तुसी यमुना पार जा सकदे हो। यह सुनेहा है कैप्टन अमरिंदर नू ते उन्हां दी सरकार नू, जिन्हां ने तखत दे नाल मत्था लाया, वह ना सरकार रही ना उन्हां दी हस्ती रही। याद कर लो इंदिरा दा हाल, याद कर लो बेअंते दा हाल, कि बेअंते दा पोता एक बार फिर उस तखत दे नाल मत्था लगा रहा है। असी सिक्स फॉर जस्टिस वालों तुहानू दसना चाहुंदे हां कि असी वोटां विच विश्वास रखदे हां, गोली विच नहीं, पर सिख कौम ने जिन्ने तखत दे नाल मत्था लाया तो हथियार चुकण तो उन्होंने देरी नहीं लाई। 4 जुलाई तो पंजाब दे विच वोटां दी रजिस्ट्रेशन शुरू है। जे तुसी भारत नू बचाउणा चाहुंदे हो और जां ओ सिंह जिहड़े पंजाब नू आजाद करवाउणा चाहुंदे है, वो वोटां अपनियां रजिस्टर करवाउणियां शुरू कर देन। ते अकाल तख्त नाल मत्था लाउण वाला ना पहलो रहा ना कभी हुन रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।